जैसा कि हमारा जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है वो हमारा चल रहा है लेखन कला और शहरी जीवन, यानी कि शहरी जीवन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं अभी तक कि मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था वो किस प्रकार से था। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था आपके शहरीकरण का महत्व, यानी कि शहरीकरण का क्या महत्व था। अब एक चीज मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाई थी कि ये शहर कैसे बसे, ये कस्बे कैसे बसे। तो मैंने एक बताया था कि किसी एक स्थान पर जो कृषि जो कार्य है उसके साथ साथ अन्य कई गतिविधियां जब होने लग गई तो वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। और जब जनसंख्या घनत्व बढ़ा तो वहां पर कस्बे बन गए और कस्बे बनने के बाद में वो नगर और शहरों में तब्दील हो गए। तो इस प्रकार शहर बन गए। शहर के व्यक्ति या शहर में रहने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं के लिए गांव के ऊपर निर्भर रहते हैं। और उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया था कि खाद्य आपूर्ति के लिए कहीं ना कहीं आपको गांव के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। फिर अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है। उसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया था मूर्ति कलाकार। एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति किन किन लोगों के ऊपर निर्भर रहता है, जब वो मूर्ति बनाएगा उससे पहले उसे किन किन लोगों की आवश्यकता होती है, चाहे वो मूर्ति का पत्थर हो, मशीनरी हो, यातायात हो, कलर हो, उसकी नक्काशी हो, उसकी साज सज्जा हो, तब जाके एक मूर्ति बनती है। तो उसको बहुत से लोगों के ऊपर क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है, वो निर्भर है, उनके ऊपर निर्भर है। पत्थर नहीं आएगा तो मूर्ति नहीं बना सकता, ठीक है, यातायात नहीं होगा तो पत्थर कैसे आएगा। तो बहुत से लोगों के ऊपर उसको क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, श्रम विभाजन, यानी कि जो कार्य है उसका क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उद्योगों को आपको चलाना है, व्यवसाय आपको करना है, तो उसके लिए एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। सामाजिक संगठन होगा तो ही सही ढंग से कार्य होगा, सही ढंग से व्यापार होगा, संग्रहण से लेकर किसी वस्तु के आयात से लेकर, जैसे कोई भी आप फैक्ट्री या उद्योग चला रहे हैं उस फैक्ट्री उद्योग में आपको ये कह सकते हैं कि जैसे ईंधन की आवश्यकता है, धातु की आवश्यकता है, मशीनरी की आवश्यकता है, तो ये सारी चीजें हमें कहीं और से लेनी है। अब एक सामाजिक संगठन जब होगा तो वो आपके लिए इन चीजों को क्या करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा, चाहे वो भंडारण हो। जैसे गांव में अनाज उत्पादित होता है, गांव में अनाज बहुत ज्यादा उत्पादित होता है, शहरों में अनाज जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे कैसे अनाज चला गया, दे दिया, बिक गया, नहीं। उसके लिए क्या होता है, भंडारण होता है, भंडार गृह होते हैं, अनाज को उन भंडारण में, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। और जब आवश्यकता होती है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है। तो वो भंडारण, भंडारण की व्यवस्था करना। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से और सही ढंग से चलाने के लिए एक सामाजिक संगठन का होना भी आवश्यक होता है। तो ये जो आपके शहरीकरण का जो महत्व है, शहरीकरण का महत्व, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक कौन सा है, शहरों में माल की आवाजाही। शहरों में माल की आवाजाही, आराम से आराम से। शहरों में माल की आवाजाही, आवाजाही, यस आप देख लीजिए। आप हम मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उस सभ्यता के दौरान जो शहर थे उनमें जो माल होता था उसकी आवाजाही किस प्रकार से होती थी, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब देखिए आप, कृषि संसाधनों की अगर हम बात करें, कृषि संसाधन मेसोपोटामिया में बहुत ज्यादा थे, यानी कि कृषि की उपज मेसोपोटामिया में बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो खनिज संसाधन थे,
खनिज संसाधन, उनकी क्या थी यहां पर कमी। यानी कि समझिए पहला टॉपिक, कृषि संसाधन तो क्या थे मेसोपोटामिया में ज्यादा, और जो खनिज संसाधन होते थे जो पहाड़ी एरियो से पर्वतीय एरियो से वहां से हमें मिलते थे वो क्या थे, उसका क्या था यहां पर अभाव था। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो मेसोपोटामिया के जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग जहां पर क्या है मेसोपोटामिया, और ये जो एरिया है वो क्या है मरुस्थलीय एरिया, जहां पर कौन सी नदी बहती है दजला और फरात। तो ये जो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में कई प्रकार की जो औजार हैं, मुद्राएं हैं, और कई प्रकार के जो आभूषण होते हैं उनको बनाने वाले पत्थरों की कमी है। यानी कि औजार, आभूषण, ठीक है, औजार, आभूषण, और ये कह सकते हैं कि मोहरे हो गई या मुद्राएं हो गई, औजार बनाने वाला पत्थर, आभूषण बनाने वाला पत्थर और मोहरे बनाने वाला जो पत्थर है उसकी क्या है यहां पर कमी। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा कि मेसोपोटामिया की जो दक्षिणी भाग है, मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं, यहां पर औजार बनाने वाला, आभूषण बनाने वाला और मोहरे बनाने वाला जो पत्थर है उसकी क्या है यहां पर कमी है। और इसीलिए कमी का मैंने आपको बता दिया कि कृषि के उत्पाद तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो खनिज संसाधन है उसकी क्या है यहां पर कमी है। ठीक है, प्लस अब यहां पर भाई आवाजाही देख रहे हैं, माल आवाजाही कि कोई भी चीज प्रोडक्ट हो रही है, उत्पादित हो रही है, वो कैसे जाएगी और कैसे आएगी। अब यहां पर क्या है, जो पहले पहिए बनते थे वो किसके बनते थे बेटा, पहले जो लकड़ी के, लकड़ी के है ना, ये देखो लकड़ी की बात करते हैं। अब क्या है, पहिए आपको बनाने हैं गाड़ी में लगाने के लिए, और गाड़ी में लगाने के लिए पहिए आपको चाहिए, तो पहिए चाहिए तो भाई पहिए मजबूत होने चाहिए। क्यों, क्योंकि पहिए मजबूत होंगे, आप कोई भी माल लेकर जा रहे हैं बैलगाड़ी में किसी गाड़ी में, तो उसके पहिए अगर कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो वो तो गाड़ी टूट जाएगी, पहिए टूट जाएंगे, माल कैसे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है लकड़ी के पहिए बनाने के लिए यहां पर जो लकड़ी होती थी वो क्या थी, लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। जैसे विशेषकर यहां पर जो पेड़ होते थे वो होते थे खजूर, खजूर, और एक पेड़ होता था पॉपलार। खजूर और पॉपलार की जो लकड़ी होती थी वो क्या होती थी, कमजोर, और कमजोर लकड़ी से ये क्या है लकड़ी के पहिए नहीं बना सकते थे। अब मुझे गाड़ी से व्यापार भी करना है, शहरों में मुझे माल भी भेजना है, माल, अब माल भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए, साधन चाहिए, साधन चाहिए। उस समय कोई बस ट्रेन तो थी नहीं भाई जो मैं माल को भेज दूं, आज से हजारों साल पहले, तो उस समय माल की जो आवाजाही शहरों में होती थी वो होती थी, कुछ साधन होते थे, या तो पशुओं के द्वारा, भाई जो पशु है उसकी पीठ पे लाद दो, एक तो वो हो सकता है, या फिर बैलगाड़ी हो जिसमें रखे ले जाए। लेकिन बैलगाड़ी में चलाने के लिए जो बैलगाड़ी है उसमें दो टायर लगते हैं, पहिए, अब वो पहिए काहे के बनेंगे, क्योंकि वहां पर जो लकड़ी होती थी वो खजूर और पॉपलार के पेड़ की होती थी, जो क्या होती थी, बिल्कुल कमजोर होती थी। इसलिए ये जो लकड़ियां हैं वो नाव बनाने और पहिया बनाने के लिए सही नहीं थी। यानी कि यहाँ की जो लकड़ी थी मेसोपोटामिया की, उस लकड़ी से ना तो नाव बन सकती थी और ना ही पहिए बन सकते थे। ठीक है, अब क्या होता है, प्लस इनके पास किसी प्रकार की कोई धातु भी नहीं थी, भाई कोई धातु हो, लोया, तांबा, इस प्रकार की कोई धातु हो वो भी काम में ले ले, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की कोई धातु भी नहीं थी। क्यों, पहले जो औजार बनते थे वो बनते थे पत्थर के, लेकिन वक्त बदला, ट्रेंड बदला, ट्रेंड बदलने के बाद में जो हथियार बनने लग गए या औजार बनने लग गए वो किसके बनने लग गए, धातु। अब जब धातु नहीं है तो औजार नहीं बने, औजार, यानी कि यहां पर क्या है, धातु नहीं थी तो इस धातु के अभाव में ना तो औजार बने, ना किसी प्रकार का कोई पात्र बना, पात्र, ना ही गहने बने, भाई सोना चांदी तो बहुत कम मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये धातु की कमी है, अच्छी लकड़ी की भी कमी है, खनिज संसाधनों की कमी है,
इस वजह से यहाँ पर ये जो शहरों में मालजाई होती थी उसको लेकर इनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। दोबारा समझ लीजिए, शहरों में मालजाई कैसे होती थी, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। भाई मेसोपोटामिया में खेती हो रही है, खेती बहुत ज्यादा है लेकिन खनिज संसाधनों की कमी है। पहला टॉपिक तो ये हो गया। अब खनिज संसाधनों की कमी है, ये देखो कृषि ज्यादा लेकिन खनिज संसाधनों की कमी। दक्षिण मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें, दक्षिण में जो मेसोपोटामिया है वहां पर चाहे औजार हो, चाहे आपके आभूषण हो, चाहे मोहरे हो, जो पहले क्या थी, मोहरे औजार और आभूषण किसके बनते थे? पत्थर के बनते थे ना, जो भी चीजें बनती थी पत्थर की बनती थी पहले। आज तो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल कई चीजें आ गई, आज तो हर चीज का कुछ भी बना लीजिए आप, लेकिन पहले जो औजार और आभूषण बनते थे वो किसके बनते थे? पत्थर के। अब यहां पर औजार और आभूषण बनाने का जो पत्थर था उसकी क्या थी? कमी। ये हो गया नेक्स्ट। प्लस यहां पर अधिकतर मात्रा में खजूर और पॉपलार का पेड़ होता है, जिसकी जो लकड़ी होती थी वो क्या होती थी? कमजोर। और उस कमजोर लकड़ी से ना तो नाव बना सकते थे और ना ही बैलगाड़ी के पहिए बना सकते थे। धातु की भी कमी थी, भाई धातु भी नहीं था, क्योंकि धातु क्या है? एक प्रकार का खनिज संसाधन। धातु की कमी है तो धातु की कमी होने से क्या हुआ? ना तो धातु के औजार बने, ना पात्र बने और ना ही किसी प्रकार के गहने बने। ठीक है? यस सर। अब क्या हुआ, जब खुदाई की गई तो यहां पर कई प्रकार की चीजें मिली है, तांबा, कांसा, धातु। तो इतिहासकारों ने इस चीज को जानने का प्रयास किया कि जब यहां पर ये चीज होती नहीं है तो ये चीज आई कहां से। तो ये बताया जाता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो अपने पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी जो जगह है, जो दो जगहों का नाम है तुर्की और ईरान व खाड़ी क्षेत्र, ये तीन जगह है। यानी कि मेसोपोटामिया वाले जो लोग थे वो इन चीजों की पूर्ति, चाहे वो तांबा हो या किसी भी प्रकार का कोई आइटम हो, तांबा, लकड़ी, रांगा, चांदी, सोना और सीप या धातु, इन सभी चीजों का क्या है व्यापार, कहां से लेते थे? ये तुर्की और ईरान या इसके आसपास के जो खाड़ी क्षेत्र थे वहां से। यानी कहने का मतलब यहां पर खनिज संसाधन नहीं है मेसोपोटामिया में। अब किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करते थे कि अपने यहां से तो बेचते थे कृषि के उत्पाद, कि भाई हमारे यहां से अनाज उत्पन्न हो रहा है वो हम आपके यहां भेज देते हैं, और उस अनाज के बदले आप हमें क्या दे दोगे? धातु, तांबा, सोना, चांदी, सीप, लकड़ी, ताकि आप लकड़ी दोगे हम नाव बना लेंगे, हम पहिया बना लेंगे, आप धातु दोगे तो धातु के औजार बना लेंगे, पात्र बना लेंगे, गहने बना लेंगे, सीप दोगे सीपी मोती, मोतियों से माला बना लेंगे। तो कहने का मतलब कि यहां पर इन चीजों की कमी थी खनिज संसाधनों की, और ये खनिज संसाधन कहां से मंगाते थे? तुर्की, ईरान और खाड़ी क्षेत्रों में। और यहां पर अपने यहां पर उत्पादित होने वाली जो कृषि के थे चीजें, कृषि अनाज जो उत्पन्न होता था वो क्या है, इन देशों को भेजते थे। यानी कि यहां से तो जो कृषि उत्पाद थे वो बेचते थे, और वहां से ये क्या करते थे, तांबा, सोना, चांदी आदि चीजें क्या करते थे, मंगाते थे। ठीक है, समझ में आ गया? खाड़ी क्षेत्र कौन से होते थे? खाड़ी क्षेत्र बेटा, पहाड़ी क्षेत्र, जो खाड़ी का मतलब होता है, जैसे आप अफगानिस्तान साइड में देखेंगे खाड़ी क्षेत्र जो पहाड़ों में बसे हुए हैं, पहाड़ों के बीच में, साइडों में कहीं पर बसे हुए हैं। खाड़ी एक पहाड़ का एक रूप होता है, खाड़ी। ठीक है, तो वो क्षेत्र है जैसे तुर्की, ईरान, आप चले जाइए अरब साइड में, उधर ये है। तो खाड़ी क्षेत्र और तुर्की और ईरान में ये क्या करते थे, खनिज संसाधन जो होते थे इनका क्या करते थे, आयात करते थे। एक तो होता है आयात और एक होता है निर्यात। निर्यात का मतलब देना किसी देश को चीजें, भेजना, और आयात का मतलब आना। तो ये क्या करते थे,
कुछ चीजें मंगाते थे और अपने यहां से कृषि उत्पाद और कपड़ा बेचते थे। यानी कि मेसोपोटामिया वाले जो लोग थे वो अपने यहां से कपड़ा और कृषि के आइटम क्या करते थे, इन देशों को देते थे, खाड़ी क्षेत्रों को, तुर्की ईरान खाड़ी क्षेत्रों को, और यहां से धातु सोना चांदी सीप लकड़ी आदि को क्या करते थे, मंगाते थे। यानी दोनों का कार्य हो गया। यहां पर क्या है, कृषि नहीं होती। ये मान लीजिए तुर्की ईरान खाड़ी क्षेत्र में कृषि नहीं होती, क्यों, क्योंकि पूरा ही कौन सा क्षेत्र है, पहाड़ी। अब आप खुद देख लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों में नाक के बराबर खेती होती है। अब खेती नहीं हो रही तो अनाज की जरूरत तो पड़ेगी, तो मेसोपोटामिया वाले लोग इनकी अनाज की पूर्ति करते थे और ये लोग इन चीजों की जो आवश्यकता होती थी धातु की सोना चांदी लकड़ी की, ये चीज इनकी पूर्ति कर देते थे। यानी आयात निर्यात चलता था। ये बहुत सी चीजों को मंगाते थे मेसोपोटामिया वाले, और ये बहुत सी चीजों को मंगाते थे जिसमें कपड़ा और अनाज, ये चीजें मंगाते थे। ठीक है, यस सर। यानी यहां तक समझ में आ गया, यस सर। यानी मेसोपोटामिया में कृषि ज्यादा होती थी, खेती बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, लेकिन खनिज संसाधनों की कमी थी। तुर्की ईरान में खनिज संसाधन खूब थे लेकिन किसकी कमी थी, कृषि की। तो कृषि से उत्पादित जो माल है वो तो वहां जाता था, और वहां का जो खनिज संसाधन था वो कहां आता था, मेसोपोटामिया में आता था। अब कोई चीज आ रही है और जा रही है, उसके लिए किसकी जरूरत होती है, साधन की, कि किस जरिए हम इस चीज को वहां भेजें और वहां से कोई चीज मंगाएं। अब उस समय ट्रेन तो थी नहीं, परिवहन था नहीं, कोई ट्रक हो गाड़ियां हो जिनसे अपन सामान को ले गए, आके लोडिंग गाड़ियां हो ले गए। उस समय यातायात का एकमात्र जो साधन होता था, या तो पशुओं की पीठ के ऊपर लाद कर लेके चल जाओ, या फिर बैलगाड़ी का उपयोग कर लो। यानी कि कहने का मतलब शहर के विकास के लिए, यानी किसी भी शहर का अगर विकास करना है या किसी भी शहर का अगर विकास संभव है तो उसके पीछे कुछ चीजों का होना क्या है, आवश्यक है। कैसे, जैसे कोई भी व्यापारिक सेवा है, शिल्प है, ये चीजें तो चलो ठीक है हो गई, लेकिन अगर हमारे पास सही ढंग की यातायात सुविधा नहीं है, परिवहन सुविधा नहीं है, तो आप किसी भी बिजनेस को सही ढंग से नहीं कर सकते। यानी कि शहरी विकास और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि शहरी विकास के लिए कुशल परिवहन व्यवस्था का होना आवश्यक है। जैसे आज अपन देख लीजिए वीकेआई, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया देख लीजिए आप, यहां पर बहुत सी चीजें बनाई जाती है, धातु से रिलेटेड, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड। अब एक फैक्ट्री में इन चीजों को मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बहुत सी चीजें बना दी बेटा, ठीक है। अगर परिवहन नहीं होगा, यातायात नहीं होगा, तो हम उस चीज को अन्य जगह भेज नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो परिवहन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने यहां पर भी घर में हम कुछ चीजें ऐसी यूज में लेते हैं जो हम घर में नहीं बनाते, या हमारी जगह नहीं बनती होगी, आसपास में नहीं बनती होगी, वो चीजें बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो चीज होती है, आयात निर्यात, वो चीजें करनी पड़ती है। वो चीजें आएगी साधन से, गाड़ियों से, परिवहन से, फिर वहां से हमारे पास आती है, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आती है हमारे पास। तो कहने का मतलब शहरी विकास के लिए कुशल परिवहन व्यवस्था का होना क्या है, आवश्यक होता है। परिवहन व्यवस्था अच्छी है तो माल आराम से आप भेज सकते हैं और वहां से माल ला भी सकते हैं। फैक्ट्री में कोई भी चीज उत्पादित हुई, उसको गाड़ी में लोड किया, हाँ भैया वहां जाकर ले जा, वो छोड़ के आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर परिवहन नहीं होगा, गाड़ियां नहीं होगी, तो आप फैक्ट्री में कितना ही माल बना लो, बिकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भेजने का साधन ही नहीं है। तो उस समय मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया में भी यही था कि माल की जो आवाजाही थी उसके साधन बहुत कम थे। या तो माल को हम भेजते किसके थ्रू, जो पशु होते थे उनकी पीठ पे लादकर, या फिर ये कह सकते हैं कि उस माल को हम बैलगाड़ियों की सहायता से भेज दे। अब आप देखो बैलगाड़ी पशुओं के ऊपर लाद दिया, पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी पहाड़ है। अब उस पहाड़ के ऊपर पशु कैसे लेके जाएगा भाई भारी माल को? एक बैलगाड़ी में आपने खूब सारा वजन रख दिया और उसको दे दिया भाई तू माल छोड़ के आ जा। अब इतना भारी भरकम माल सामान कैसे जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र है, छोटे छोटे रास्ते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं,
कैसे बैलगाड़ी लेके जाएगी उस साधन को। तो ये बहुत बड़ी समस्या का एक सवाल था वहां पर कि परिवहन कैसे किया जाए। फिर दूरी, अब दूरी ज्यादा है तो एक पशु को कितनी दूर चला के लेके जाओगे सामान लदकर, सीधा रास्ता नहीं है, पहाड़ी एरिया है, कैसे लेके जाए। प्लस फिर जानवर को आप लेके जा रहे हो तो उसके चारे का खर्चा, क्योंकि टाइम लगेगा, तो बीच बीच में पशु जो है उसको चारा भी खिलाना पड़ेगा, उसके खाद्य पदार्थ की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, खर्चीली चीज, कि भाई ये तो महंगा हो गया मेरे लिए। तो उस समय अगर देखा जाए तो सुगम जो यातायात का एक साधन था वो था आपके नहरें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दजला और फरात ये नदियां बहती है, और मैंने आपको बताया, देखो एक मैं आपको मोर नक्शा बता दूं, जैसे ये नदियां है दो, ये तो है दजला और ये है फरात। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, तुर्की, ईरान और खाड़ी क्षेत्र, वो है आपके यहां पर, ये क्षेत्र है ऐसे यहां पर। अब यहां से क्या है, जैसे ये क्षेत्र हो गया, ये पूरा एरिया हो गया। अब ये पहाड़ी एरिया है पूरा, ये दजला नदी यहां पर बह रही है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं वो भी बह रही है, ये लो ये बह रही है, ठीक है। तो ये जो नदियां बहती है वो पवन के वेग से बहती है, पवन वेग। जब हवा का रुख होता है इस दिशा में तो नहरों में जब नाव बन गई, लकड़ी आ गई, बाहर से लकड़ी मंगा ली, लकड़ी मंगाकर मैंने क्या बना ली, नाव, लकड़ी की भारी बड़ी नाव बना ली, और उस नाव में मैंने जो भी माल बनाया या जो भी मैंने प्रोडक्शन किया उस माल को उस नाव में डाल दिया, और पवन के वेग के साथ वो नहरों के द्वारा माल आ गया, आ गया, आ गया, ये यहां पर आ गया, ये लो अब यहां आ गया, यही जरूरत थी। अब अगर एक पशु या बैलगाड़ी को यहां भेजा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे तो वो जाएगा, कैसे काम करेगा, समझ में नहीं आ रहा उसके, जाएगा रास्ते में खर्चा, पशु को लेके जा रहे हैं तो उसके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी तो वो चलेगा, खाएगा पिएगा, तभी तो चलेगा आगे। लेकिन नाव में खर्चा ही नहीं है, लकड़ी की नाव बन गई, ठीक है, उसमें ना कोई डीजल डले, ना पेट्रोल डले, कुछ भी नहीं है, कोई खिलाने का खर्चा भी नहीं नाव को, बस हवा का वेग चल रहा है, उस हवा के वेग से साथ वो नाव भी चलती जा रही है, और ये यातायात का सबसे अच्छा साधन हो गया। तो उस समय जो यातायात का प्रमुख जो साधन था वो क्या था, आपकी नहरें और नहरों में चलने वाली नाव। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यानी कहने का मतलब, बैलगाड़ी और पशुओं के ऊपर लाद के लेके जाने का नुकसान क्या था, एक तो समय ज्यादा लगता था भाई, एक तो जानवर ही जाए, और एक नाव पानी में चला दी जल्दी से नाव चल जाएगी, और शॉर्ट और रहता है भाई। जैसे मैं एक आप उदाहरण बताऊं, ये समुंदर है, यहां पर माल को लाना है, यहां पर माल आएगा, ऐसे समुद्र बना हुआ है, यहां पर माल आएगा यहां से, अब यहां से माल आ रहा है, नाव तो पानी पानी में चलेगी, ये आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। और अगर और कोई परिवहन ले, अपन सड़क परिवहन ले लो, चलो ट्रक में डाल के भेजना है, अब समुद्र के बीच में तो सड़क जा नहीं सकती, सड़क बन नहीं सकती, तो सड़क सड़क ही जाएगा, तो ये सड़क बनी हुई है यहाँ पर, ऐसे 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 ये सड़क बनी हुई है, ये सड़क बन के ज्यादा समय किसमें लगा, सड़क से ज्यादा समय लग गया ना, और नाव से क्या हुआ, ये लो सीधा आ गया, टाइम भी बच गया, और नाव आराम से आ भी गई, ना कोई डीजल लगा ना कुछ लगा, हवा का जो वेग था उससे आ गया। तो उस समय क्या था, जो बैलगाड़ी और पशु थे वो पहाड़ पे जब चढ़ते थे तो टाइम ज्यादा लगता था, धीरे धीरे चलेगा, बेचारे के ऊपर वजन भी रखा हुआ है, बैलगाड़ी में वजन भी रखा हुआ है, तो धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, फिर पहाड़ी से नीचे उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर जाएगा, पता नहीं कब पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा। और बैलगाड़ी को लेके जा रहे हो तो वो फिर पशुओं का खर्चा, उसके चारे का खर्चा। लेकिन जो नाव बनी हुई थी उसमें कुछ ही खर्चा नहीं है, नाव बन गई, पवन का वेग जो चल रही है, हवा की दिशा, उसके हिसाब से नाव बहकर सामान को लेकर चली जाती थी। ये यहां पर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत हो?
मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो परिवहन का साधन था वो क्या था? नाव बेटा, नाव। पर नाव के लिए तो लकड़ी नहीं थी। बता रहा हूं ना मैं, क्या होता था कि एक शुरुआत देख लीजिए आप थोड़ा सा। मैंने दो पेड़ बताए, खजूर और पॉपलार, ठीक है। ये नाव और पहिया बनाने के लिए क्या होता था? कमजोर होता था। एक उदाहरण मैंने चीज बताई बेटा कि वो यातायात करते थे या तो जानवर की पीठ पे लादकर, ठीक है, या फिर बैलगाड़ी। अब कुछ समय तो बैलगाड़ी और पशु की पीठ पे लादकर माल लेके गए, वो लेके चले गए, क्योंकि उदाहरण मैंने बता दिया। क्या उदाहरण बताया? कि खर्चा ज्यादा आता था पशु के चारे का और टाइम भी ज्यादा लगता था। बताया कि नहीं बताया? Yes, sir. बताया था ना। तो वही चीज हो गई कि अब उनको ऐसा लगने लग गया, यार ये खर्चा ज्यादा हो रहा है, पशु का चारा भी खिलाना है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, क्या करें। तो उनके पास लकड़ी थी नहीं नाव बनाने के लिए, तो उन्होंने तुर्की और ईरान या खाड़ी जो देश है उनसे इस चीज की रिकमेंड डाली होगी कि भाई हमारे ये चीज महंगी पड़ती है, हम समुद्री जलमार्ग के द्वारा क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, नदियों के द्वारा या नहरों के द्वारा व्यापार करेंगे। आप हमसे अनाज ले रहे हो, ठीक है, उस अनाज के बदले में आप हमें क्या दे दो? लकड़ी दे दो। तो वो लकड़ी लेके आ गए, पशुओं से लकड़ी लेके वापस आ गए, बैलगाड़ी में डालकर लकड़ी ली है, अनाज लेके आ गए। लकड़ी जब आई तो लकड़ी से क्या बनाया? नाव, और नाव से जलमार्ग को चुन लिया, और जलमार्ग के द्वारा वो क्या करने लग गए? यातायात करने लग गए। पहले पशु और बैलगाड़ी से, पशु की पीठ और बैलगाड़ी, फिर लकड़ी आ गई, लकड़ी से बना ली नाव, और नाव से करने लग गए वो व्यापार। एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ गया ना? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। मिटा दूँ बेटा? यस सर। यस सर। आप लिखते भी हो क्या? यस सर। लिखते हो? यस सर। हाँ, लिख लिया करो, बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है भाई। शहरों में माल जाही, सीधी सी बात है कि शहरों में जो माल था वो किस माध्यम से जाता था, लेकिन पहले हमने देखा कि यहाँ पर किस चीज की तो कमी थी और किस चीज की बहुत आयात थी। कृषि की चीजें थी वो ज्यादा थी, अनाज, लेकिन खनिज संसाधन कम था। खनिज संसाधन लेने के लिए हमने क्या दिया? उनको अनाज दे दिया, बस वो चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। मिटा दो बेटा। Yes, sir. बेटा कितनी परसेंटेज बनी? ललिता टेंथ में कितनी परसेंटेज है? 93. प्रियंका, प्रिया 99. शाबाश। हिस्ट्री क्यों लिया? बेटा हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों लिया? मंता। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा चल रहा है, अच्छा चैप्टर भी अच्छा चल रहा है। अब अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है आपके? लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास। बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने एक चीज आपको बताई थी, हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आगे आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपके पास एक प्रकार से एडवांटेज होगा हिस्ट्री के जो बच्चे हैं, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है कि सर ये टॉपिक में प्रॉब्लम है आप हमें समझा दीजिए, मैं बिल्कुल समझा दूंगा, बता दूंगा। नोट्स की इतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं लिखने की, जब ऑफलाइन हम आएंगे तो उस दौरान समझाने के साथ साथ नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है?
सिर्फ आप करवाते तब तो मैं तो नोट नहीं करती हूँ। बड़ा आवाज नहीं आ रही मेरे को, समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझाओ। सर आप जो नोट करवाते हैं ना वर्ड पे, वो मैं नोटबुक में भी नोट करती हूँ। लिख लेते हो क्या आप? यस सर, मैं भी फेयर करती हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप अपनी बुक्स देखिए, बुक्स में जैसे कोई चीज मैंने बता दी आपको, मैंने कोई चीज यहाँ पर पढ़ाई आपको, अब वही चीज बुक्स में भी है, लेकिन मैंने वही चीज बताई जो इम्पोर्टेंट है, तो आप सुन तो रहे हो ना उस चीज को, तो उस चीज को बुक में क्या कर दीजिए आप, अंडरलाइन कर दीजिए, और उसको फिर आप चाहे ना तो कॉपी में लिख लीजिए आप कि हाँ सर ने ये चीजें बताई थी, ये चीजें पढ़ाई थी, इस चीज को अपने को अंडरलाइन करना। पूरा नहीं लेना है, पूरा लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही चीज है जो हमें आगे आएगी काम। हालांकि अभी इसमें जीके से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जीके से रिलेटेड यही क्वेश्चन आ रहा है अभी तो मेसोपोटामिया में, कि सबसे पहले अगर लेखन कला और शहरी जीवन का उद्गम हुआ तो वो कहां से हुआ था, आपके मेसोपोटामिया से, बस ये चीजें चल रही। अब हम वहां के इतिहास के बारे में देख रहे हैं कि शहरीकरण कैसा था, लेखन कला कैसी थी। तो शहरीकरण अब आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है बेटा, शहरीकरण वाला जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया है, और दो ही टॉपिक है इस लेसन में, शहरीकरण और लेखन कला। अब आपके अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है लेखन कला का विकास, कि किस तरह से जो आपके लेखन कला है उसका क्या हुआ, विकास हुआ है। अब देखिए आपकी बुक में भी कोई चीज लिखी हुई है, मैंने पढ़ा था कि जितने भी समाज हैं, जितने भी समाज हैं, उन सभी समाजों की अपनी एक भाषा होती है, यानी कि जितने भी समाज हैं उन सभी समाजों की अपनी एक क्या होती है, भाषा होती है, और उनके मुंह से निकली हुई जो भी ध्वनियां हैं वो कोई ना कोई अर्थ प्रकट करती है, चाहे वो मौखिक से हो या शाब्दिक हो, वो क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति। एक चीज याद रखेंगे, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, यानी कि हम जो बोल रहे हैं मौखिक या शाब्दिक, शब्द मौखिक या शाब्दिक, यानी कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, सभी समाजों में अपनी क्या है, एक भाषा होती है। आप देखेंगे कि आपकी भाषा अलग है, कहीं दूर चले जाए अलग किसी समाज में, उस समाज की अलग भाषा है, फिर कहीं और दूसरी जगह चले जाए, उस समाज की क्या है, अपनी एक अलग भाषा है। तो सभी समाजों की क्या है, अलग अलग भाषा होती है, जिसमें जो भी ध्वनि उच्चारित होती है, जो मैं बोल रहा हूं, जो ध्वनि मेरे मुंह से निकल रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो चीज जो अर्थ प्रकट करती है, वो चीज क्या कहलाती है, मौखिक या शाब्दिक अभिव्यक्ति। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं? देखो समझो, आप सभी समाजों की अपनी एक भाषा होती है, समझे आप इस चीज को, कि आप कहीं भी देख लीजिए, आप जिस समाज में रह रहे हैं उसकी अपनी एक भाषा है, जो बोलने की चीज है, ठीक है। लिखने का भी मान लीजिए, आप हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, एक भाषा लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, एक भाषा लिख रहे हैं, ठीक है। तो सभी समाजों की क्या होती है, अपनी एक भाषा होती है, और जिससे क्या होता है कि जो ध्वनियां उच्चारित हो रही, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, अब इससे जो ध्वनि उच्चारित हो रही है, जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, वो कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता है। भाई मैंने कोई भी चीज बोली मुंह से, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, या उससे कोई भी जो ध्वनि में बोल रहा हूं या जो ध्वनि उच्चारित हो रही है उसका कोई अर्थ प्रकट होता है, और वही चीज क्या कहलाती है, आपके मौखिक और शाब्दिक अभिव्यक्ति कहलाती है। सब आगे समझ में? Yes, नहीं आया? आगे ना समझ में? Yes, sir. दोबारा से समझ लीजिए, सभी समाज की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है।
आप मेरी भाषा है ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है, समझिए आप, मैं एक समाज हूं, मेरे एक भाषा है, हर समाज की एक भाषा होती है जिससे उच्चारित जो ध्वनियां है वो कोई अर्थ प्रकट करती है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है ना, तो मैं जो बोल रहा हूं वो किसी अर्थ को प्रकट करती है, और यही चीज बोलने के रूप में या मौखिक शाब्दिक रूप में क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति। जैसे मैंने बोल दिया मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, ये चीज तो क्या हो गई, मौखिक, बोल के मैं ले रहा हूं, बोल के भाई मुझे आजादी चाहिए। अब इसी चीज को मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, तो ये चीज क्या हो गई, शाब्दिक, बस शब्दों में लिखकर मुझे आजादी चाहिए। अर्थ समझ में आ गया आपको, भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे आजादी चाहिए, इसका अर्थ आप समझ गए कि हाँ भाई आजादी चाहिए, और मैं बोल रहा हूं वो भी आप सुन रहे हो, तो उसका मतलब भी क्या है, आजादी चाहिए। तो ये होती है अभिव्यक्ति, अपने बातों को रखना, चाहे वो लिखित रूप से हो या फिर मौखिक रूप से हो। अब समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, तो हम यहां पढ़ रहे हैं अपने लेखन कला का विकास, और लेखन कला में एक शब्द आया अभिव्यक्ति, किसे कहते हैं अभिव्यक्ति, किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सभी समाजों की अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित जो ध्वनियां है, जो ध्वनियां उच्चारित की जा रही है, बोली जा रही है, वो अर्थ प्रकट करती है, जिसे मौखिक या शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता है, अभिव्यक्ति। यानी अभिव्यक्ति का मतलब कि मैं अपने भाव रख रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, मुख से बोलकर या लिखकर, ये चीज होती है अभिव्यक्ति। लिख लीजिए बेटा आप, लिख लिया आपने? सिर्फ डेफिनेशन दोबारा बता दो। हाँ गुड़िया, डेफिनेशन दोबारा बता दो। लिख लीजिए आप, सभी समाजों की अपनी एक भाषा होती है, सभी समाजों की अपनी एक भाषा होती है सभी समाजों की अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियां, जिसमें उच्चारित ध्वनियां, जिसमें उच्चारित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती है, जिसमें उच्चारित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती है, अपना अर्थ प्रकट करती है, इसे मौखिक या शाब्दिक अभिव्यक्ति कहते हैं, इसे मौखिक या शाब्दिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? और एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया कि मौखिक रूप से आप अभिव्यक्ति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। अब मैं अपने विचार लिख के रख सकता हूं, समझ में आपको आ जाएगा, मैं बोल के लिख सकता हूं, बोल के बता सकता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर अपने विचार बोल के बता रहे हैं, भाई ये विचार है मेरे, मैं लिख के बता दूं तो भी आपको मेरे विचार समझ में आ जाएंगे कि सर ये कहना चाहते हैं, समझ में आया? तो ये कहलाती है अभिव्यक्ति, कि प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा होती है जिससे जो उच्चारित ध्वनियां है उससे कोई ना कोई अर्थ प्रकट करती है, जिसे क्या कहते हैं, मौखिक या शाब्दिक अभिव्यक्ति। बेटा काम, टाइम कंप्लीट हो गया आपका, कोई दिक्कत हो बता देना, मेरे नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, लीव हो जाइए मीटिंग से।